फ्रेंड्स, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और बिना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किए, बिना बहुत ज़्यादा डाइटिंग किए, तो आप एक सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो को अगर आपने ओपन किया है तो प्लीज़ पूरी देख के ज़रूर जाना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो आपके काम ज़रूर आने वाली है। ये जो ड्रिंक है मैं आजकल पी रही हूँ लगभग 10 से 15 दिनों से, और मुझे काफ़ी असर हुआ है। आजकल मैं जो है थोड़ा सा अपना हेल्थ सही करने की कोशिश में लगी हुई हूँ, तो मैं तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ जो चीज़ें ट्राई करती हूँ अपने ऊपर और थोड़ा सा मुझे फ़ायदा करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये जो ड्रिंक है इसको अगर आप सही तरीके से पियेंगे तो ये 1 किलो एक दिन में वज़न कम करती है, और ये सच है, इससे कम होता है वज़न और बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट तरीके से वज़न कम होता है। इस ड्रिंक को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है और बहुत ही झंझट वाला काम नहीं है। इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये जो ड्रिंक है हमारे जो घर पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं से बन जाती है, तो आइए देखिए कि हमें इस ड्रिंक को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है अदरक थोड़ी सी कुटी हुई, और अगर हो सके तो अदरक थोड़ी सी जो कड़वी वाली होती है ना, जो देसी वाली, वो वाली लें, और आप इसको चाहे तो कूट लें चाहे तो कद्दूकस कर लें। और सेम आपको यही करना है लहसुन, तो ये लहसुन है इसको भी मैंने हल्का सा कूट लिया है, चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपको कद्दूकस करके या फिर कूट के रख लेना है। और साथ ही साथ मैंने लिया है कुछ नींबू के टुकड़े, तो इसमें हमें अलग से लेमन जूस नहीं रखना है, ये इस तरीके से आप इसको पीसेज में कट कर लें। और इसके बाद मैंने लिया ये कुछ फ्रेश मिंट के लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते, ये घर पे ही मेरे मिल जाते हैं, मैंने उगाए हुए हैं पुदीने। तो कुछ इस तरीके से मुझे चीज़ें चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका इसका अभी है कि इसको हमें किस तरीके से कंज्यूम करना है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है कुछ आधा कप पानी, मतलब कहने का मतलब वैसे तो ये 1 कप पानी है, क्योंकि ये जो जार है ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है, तो इसमें तो ये आधा ही आएगा। इसमें मैंने ऐड कर दी है पुदीने की पत्तियाँ, नींबू, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा कूटा हुआ लहसुन और अदरक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। गाइज़, ये इतने तेज़ी से आपके जो फ़ैट है जो बर्न करता है, जो काफ़ी दिनों से आपके जो पेट पे बहुत ही ज़्यादा फैट हो जाता है, आपके थाई पे बहुत ज़्यादा फैट जम हो जाता है, ये क्या करता है कि आपके पूरे एरिया के जो फैट होते हैं उनको बहुत अच्छे से बर्न करता है। ये एक बहुत ही अच्छा फैट बर्नर है। और इसमें साथ ही साथ ही जो पुदीने की पत्तियां हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुँचाएँगी, आपको थोड़ा सा ये फ्रेशनेस फील कराएंगी और एक अलग सी खुशबू भी इसकी आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड करके और इसका जो जार था इसका ढक्कन बंद कर दिया है। इसको मैंने लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। आपको फ्रिज में नहीं रखना है, ये चीज़ ध्यान रखें, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसी में आपको इसको छोड़ देना है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी ये सारे जो इसमें अदरक लहसुन और नींबू ये सारी चीज़ें हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं, वो सारे पानी में आ चुके हैं। क्योंकि मैंने जार लिया है और मैं स्ट्रॉ से पीने वाली हूँ तो मैंने इस तरीके से पिया, वरना आप चाहे तो छान भी सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है कि मैंने पिया कि नहीं पिया, तो मैं जस्ट प्रूफ के लिए मैं इसमें पी के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ध्यान से, तो ये ख़त्म हो रहा है, घट रहा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।